हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर प्याज मसाला, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। टमाटर प्याज मसाला या टमाटर प्याज की सब्जी इसे बोल सकते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है। उसमें लगभग 2 से 3 चम्मच के आसपास तेल डाला है और इसमें हमने आधी चम्मच राई, जो सरसों होता है, और आधी से आधी चम्मच जीरा, खड़ा जीरा का इस्तेमाल किया है, उसको हमने डाला है। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड करेंगे। प्याज हमने 4 से 5 मीडियम साइज का लिया था, उसे इस प्रकार से शेप किए उसको दिया है, और 2 से 3 हरी मिर्च हमने प्रयोग किया है। लंबे लंबे प्याज को नहीं काटना है, आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह से काटा है प्याज को, और 2 से 3 हरी मिर्च। और इन सब को हम अच्छे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे फ्रेंड्स। और अब हम इसे ढक देंगे, क्योंकि ढकने से थोड़ा प्याज हमारा जल्दी गलेगा। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और नमक डालने के बाद फिर से 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 इंच से थोड़ा कम अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 लहसुन की कलियां हमने कूट के इसमें डाला है। उससे अदरक और लहसुन से टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा इसमें। तो हमारा प्याज लगभग भुन चुका है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला में हमने 1/2 से कम चम्मच, 1 चुटकी के आसपास हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर इस्तेमाल करेंगे हम, और 1/2 चम्मच के आसपास ये सब्जी मसाला हमने ऐड किया है इसमें। और इन सब को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना फ्रेंड्स, नहीं तो ज़्यादा तेज फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। तो ये लगभग हमारा मसाला फाइनली भुन चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर 2 टमाटर हमने लिया है मीडियम साइज का, इसे रफली चॉप किया है। इसकी खुशबू अभी से आने लगी है फ्रेंड्स, ये झटपट बन के तैयार टमाटर प्याज की सब्जी। तो ये लगभग हमारा फाइनली बन चुका है टमाटर प्याज मसाला। आप इसे टमाटर प्याज की सब्जी भी बोल सकते हैं। तो फाइनली हमारा ये रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देख के मुंह में पानी आ गया है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। आप इसे चाहे तो पराठा के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं।
आपके घरों में हरी सब्जी कम हो जाए तो इस रेसिपी का प्रयोग करें। ये बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो हो गया ना फ्रेंड्स हमारा ये टमाटर प्याज की रेसिपी तैयार। तो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप भी अपने घर पे बनाएं और अपने फैमिली को खिलाएं। एक बार आप बना के खिलाएंगे इस रेसिपी को तो आपके फैमिली वाले बोलेंगे कि बार बार इसी रेसिपी को बनाने के लिए, इतना टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो कैसी लगी रेसिपी है फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।